नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव। जो करेंगे खबरों का, राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के बाद अब पूरे देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है और विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार का विरोध भी किया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सत्यनारायण शर्मा ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्य, पूर्व अध्यक्ष, चार बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी की महात्मा गांधी से तुलना के सवाल पर कहा, महात्मा गांधी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे, राहुल गांधी आज के दौर के राष्ट्रपुत्र हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में भारत में अपनी बात कहना गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। चार बार के सांसद राहुल गांधी जी जब संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंत्रीगण पूरी ताकत के साथ षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। खड़गे साहब जब अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी अपनी बात कहते हैं, तो उनके बयान को काट दिया जाता है, उनके बयान को, राहुल गांधी जी के बयान को तो पूरी तरह से ही विलोपित कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि जो फिरंगियों के समय में जो होता रहा वो इस देश में आज देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत दिखाई दे रही है। और आबकारी मंत्री कवासी लखमा गरियाबंद पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत भी की, मंत्री को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। मंत्री ने कहा, हमारे राहुल गांधी विदेश में बस इतना ही कह रहे थे, हमारे देश को लोकतंत्र में खतरा है, हम मुकाबला करेंगे, ये भी बोला है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, गांधी परिवार को बचाने के लिए प्रयास नहीं, बल्कि हमारा गांधी परिवार पहले है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, उस समय राहुल गांधी भी दो बार सांसद थे, मंत्री पद को ठुकरा दिया था। इनका बैठकी होती है, इनका आवाजात में सोने का फोटो आता है, जब प्रधानमंत्री शपथ लेने आता है अडानी की गाड़ी में आता है, ये क्या संबंध है, कहां से लाया? हमारा इंश्योरेंस का पैसा, बैंक का पैसा लूटा जा रहा है, देश बेरोजगारी, महंगाई जो लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया था, बावड़ी धसने से एक बड़ा हादसा हुआ और तमाम लोगों की वहां पर मौत भी हो गई थी। जहां हादसे में 24 घंटे बीत जाने के बाद आखिरी लापता सुनील सोलंकी को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय सेना के जवान समेत नगर निगम पुलिस प्रशासनिक अमले द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लापता युवक सुनील सोलंकी के शव को बरामद करने में सेना के जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जहां बार बार बावड़ी में आ रहे पानी, गाद और मलबे में फंसे शव को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 36 हो गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर बावड़ी में अभी भी सर्चिंग की जा रही है। बावड़ी में मिले आखिरी शव को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया स्वराज संवाददाता विकास सिंह सोलंकी ने। महादेव मंदिर में राम नवमी को हुए हादसे के बाद आखिरी शव को भी रेस्क्यू के माध्यम से बरामद कर लिया गया है। सुनील सोलंकी का जो शव लापता था उसे जो है अभी कुछ देर पहले ही यहां पर निकाल लिया गया है और मर्चुरी पहुंचा दिया गया है। आपको मैं एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की यह बावड़ी है और किस तरह से 24 घंटे की मशक्कत के बाद, अगर बात की जाए तो 70 जो है आर्मी के जवान रात 12 बजे यहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि लास्ट
लापता जो है उसे भी जो है बरामद कर लिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह की यह बावड़ी है और यहाँ पर ही जो है रामनवमी को लेकर जो है हवन किया जा रहा था। काफ़ी ही गहरी बावड़ी बताई जाती है। अगर बात की जाए तो होलकर कालीन बावड़ी है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बावड़ी है और अभी कुछ वर्ष पहले 35 से 40 वर्ष पहले इसके ऊपर जाली डाली गई थी। उसका जो है मंदिर जो मंदिर निर्माता है उन्होंने इसके ऊपर बिना किसी की सपोर्ट के जो है यहाँ पर छत जो है बना दी गई थी और उसके बाद जो है रामनवमी के दिन यह धस जाती है और कहीं ना कहीं 36 लोगों की जो है मौत जो है यहाँ पर हो गई है। और बात की जाए तो 18 लोगों की जो जान है वह जरूर बचा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं 24 घंटे चले रेस्क्यू के बाद आखिरी लाश भी जो है बरामद कर ली गई है। हालांकि जो है पूरे ही मामले की लेकर जो इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी है उन्होंने जो है मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के अध्यक्ष और सचिव के ऊपर भी जो है गैर इरादतन हत्या का मामला जो है दर्ज कर लिया गया। और एक बार बावड़ी को देखिए किस तरह की यह बावड़ी थी और यहाँ पर ही जो है हवन पूजा अर्चना की गई थी। रेस्क्यू अब खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो आखिरी जो लाश थी वह भी जो है बरामद कर ली गई है। उसके बाद जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और आखिरी युवक को भी जो है कहीं ना कहीं जो युवक की लाश है बरामद कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 36 लोगों की हत्या का दोषी कौन, प्रशासन या जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे? यही बात सभी के लोगों के दिल में है कि 36 लोगों की मौत हो चुकी है, कई मासूम बच्चा भी इसमें मौत हो चुकी है, लेकिन जो है जिम्मेदार कौन है? यही प्रश्न जो है अभी भी छाया हुआ। हालांकि रेस्क्यू खत्म हो चुका है और मजिस्ट्रेट जांच की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारों कहना है कि जो भी इसमें लापरवाही पाई जाएगी या जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन एक लापरवाही के चलते 36 जान जो है आज शहीद 36 जान की जो है चली गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी भी यही प्रश्न बना हुआ है कि इसका दोषी कौन है। कैमरा पर्सन बंटी राठौड़ के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। और करेंगे अगली खबर का, अगली खबर इंदौर से है, जहां पर इंदौर में उस वक्त हंगामा हो गया जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बावड़ी हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। जब अस्पताल पहुंचे तो घायल के परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोशित भीड़ ने मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदेवे लोगों को धक्का देते दिखे और विधायक आकाश विजयवर्गीय लोगों को समझाते नजर आए। बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर के पटेल नगर मंदिर में जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने ट्वीट के माध्यम से दुख प्रकट किया है। इस पूरे हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है, जिसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दुख प्रकट किया और कहा कि घटना दुर्भाग्यजनक है। संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री और पूरा प्रशासन इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचे हैं। इस घटना में बड़ी संख्या में लोग हताहत हैं। पीएम मोदी ने भी शोक संवेदना के साथ जिन श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच के आधार पर जो जानकारियां सामने आएंगी और जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की दुखद मौत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर किसी भी प्रकार का स्वागत नहीं होगा और ना ही रोड शो होगा। सभी प्रकार के स्वागत कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इंदौर पटेल नगर मंदिर में हुए हादसे में 35 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती है। घटना दुर्भाग्यजनक है। संवेदना व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, पूरा प्रशासन इंदौर के इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन ने करने का जो प्रयास किया उसमें कई श्रद्धालुओं को बचाने में उन्हें सफलता मिली है। प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अब सक्रिय हो चुके हैं और इस सक्रियता के चलते दल बदल का खेल भी देखने को मिल रहा है। बड़वानी के सिलावत में पूर्व बीजेपी सांसद माखन सिंह सोलंकी ने दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। सांसद माखन सिंह सोलंकी बीजेपी से एक बार
बड़वानी से सांसद रह चुके हैं, जबकि एक बार बड़वानी जिला पंचायत अध्यक्ष और 3 बार जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बड़वानी से हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सचिन, 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले अक्सर देखा गया है दल बदल की स्थिति बनती है। तमाम कार्यकर्ता हों, चाहे नेता हों, चाहे जिम्मेदार लोग हों, पार्टियां बदलते हैं, और ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन पूर्व बीजेपी सांसद माखन सिंह सोलंकी दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो पूर्व सांसद ने पार्टी बदल ली? जी हम बता दें, आज बड़वानी जिले के सिलावद में आज दिग्विजय सिंह की एक सभा थी। सभा के दौरान दिग्विजय सिंह सहित पूर्व मंत्री हरि बघेल भी मौजूद थे। उसी दौरान पूर्व सांसद मकन सिंह सोलंकी, जो कि भाजपा से 2009 में सांसद का चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, उसके बाद से ही उनका कहना है कि उनकी चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें पुनः टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद लगातार उनकी अवहेलना की जा रही थी, पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा था, वो अपमानित किया जा रहा था, जिसके चलते वो काफी नाराज थे। साथ ही उनका एक बड़ा आरोप है कि उनके जो भतीजे, जो कि अभी फिलहाल भाजपा में राज्यसभा सांसद है, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, उनके द्वारा उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा था, इसी के चलते उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थामा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के हित में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, और इसके दौरान राज्य सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने का प्रावधान भी किया। छत्तीसगढ़ में शनिवार से बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन शुरू होगा। सरकार युवाओं को प्रति माह 2500 की दर से बेरोजगारी भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ते के लिए युवाओं को पोर्टल में खुद को अपने पुराने पंजीयन के आधार पर भत्ते के लिए नया पंजीयन कराना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता योजना जो है वो कल 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाला है। पोर्टल हमारा कल से खुलेगा। कल से आवेदक पोर्टल पर अपने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करेंगे। सारा हमारा प्रोसीजर ये ऑनलाइन है। पात्रता की शर्तें जो हैं, वो आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, उसकी आयु 1 अप्रैल 2023 को 18 और 35 के मध्य हो, आवेदक 1 अप्रैल 2023 को रोजगार कार्यालय में 12वीं कक्षा से पिछले 2 वर्ष पूर्व का रजिस्ट्रेशन हो। एक तरफ भूपेश सरकार ने जहां बेरोजगारों को भत्ता देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी इसका विरोध कर रही है, जिसको देखते हुए अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पात्र बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलने के बाद सरकार युवाओं को बेवकूफ बना रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का। 5 साल बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, यहां सिर्फ 2 साल दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस सरकार के फैसले से बौखलाई हुई है, वो मुद्दा विहीन है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनका उपहास उड़ा दिए। वो कहते हैं कि अगर आप खानदानी बेरोजगार हैं, आपके पिताजी भी बेरोजगार हैं, आप भी बेरोजगार हैं, आपका भाई भी बेरोजगार है, तब हम किसी एक को भत्ता देंगे, और तरह तरह की शर्तें लगाकर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य करना, उनके परिवार की आय देखना, ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसका बदला युवा आने वाले चुनाव में जरूर लेगा। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उसने कल्पना नहीं किया था कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा सकता है। 15 साल सरकार थी, 2003 में वादा किया था, नहीं दिए। अब हमारी सरकार दे रही है तो बौखलाहट में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बेरोजगार खुश हैं, छत्तीसगढ़ के नौजवान खुश हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। राजनांदगांव में नगर निगम ने 2023-24 को देखते हुए बजट को लेकर एक बैठक निर्धारित की। महापौर हेमा देशमुख ने 22,45,000 रुपए के घाटे का बजट पेश किया।
इस दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा किया। उन्होंने बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर को लेकर नाराजगी जताई। महापौर ने कहा, पहली बार नगरीय निकाय के बजट में उद्योग लगाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा, उद्योग लगाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, प्रदेश की सरकार इस ओर हमें बढ़ावा दे रही है। वहीं विपक्ष के हंगामे को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा, विपक्ष अपना संस्कार भूल गई है। बताना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा हुआ कि नगरी निकाय के बजट में उद्योग लगाने जैसी बात आई। आज तक आपने देखा होगा कि बजट में रोड नाली के सिर्फ प्रावधान होते हैं या दुकान बनाने के, लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नगरी निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपा का कार्यक्रम या आयोजन रखा गया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ राशि का प्रावधान रखा जा रहा है। उद्योग लगाना मुख्य उद्देश्य है हमारा। इस उद्योग लगाने से महिलाओं को, पुरुषों को रोजगार मिलेगा और लिगेसी वेस्ट सेंटर पे भी हम काम करेंगे। 2 करोड़ की राशि हमको लिगेसी वेस्ट सेंटर के लिए मिल रही है, जिसमें जो शहर के कचरे हैं जो आज आप देखेंगे डंप हो जाते हैं, तो उस कचरे को हम खत्म कर रहे हैं। हम यही विषय पूछने के लिए खड़े हुए हैं, तो महापौर जी इस विषय में सुनना नहीं चाहती। इसका मतलब यह है कि जो भ्रष्टाचारी जिनको दोषी ठहराया गया है उनको महापौर जी का वरदहस्त प्राप्त है, नहीं है तो महापौर जी सदन में स्पष्ट करें कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, क्योंकि विपक्ष तो असंतुष्ट है इस कार्रवाई से। और अगली खबर बालोद से है, जहां पर सांसद प्रतिनिधि और आदिवासी भाजपा नेता ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड के बाद उनके पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी के प्रतिनिधि और युवा आदिवासी भाजपा नेता विक्रम धुवे ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विक्रम डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय और युवा नेता के रूप में उभर रहे थे। अचानक उनकी मौत की खबर से हर कोई हैरान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से वो तनाव में चल रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें आत्महत्या के पीछे स्वयं को जिम्मेदार ठहराया गया है। ग्वालियर में इन दिनों जहां युवकों के साथ मारपीट हो रही है और वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ और भी कई आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार आरोपी पनिहाल टोल प्लाजा के सीसीटीवी में भागते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घाटी गांव थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि बीते रोज सिमरिया टाका के जंगल में कपड़ा व्यापारी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 4 बदमाशों ने व्यापारी के 2 बोरों में भरे रेडीमेड कपड़े और नकदी लूट ली और फरार हो गए, जिसके बाद लूट के शिकार कपड़ा व्यापारी भीकम सिंह ने पुलिस में शिकायत की थी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने के आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।